नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद सिद्दीकी। स्वागत है आपका पॉजिटिव न्यूज़ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 जून से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी मजदूर हैं जिन्होंने श्रमिक कार्ड बनवाए हैं उनके अकाउंट में आपदा राशि 1,000 रुपये डाले गए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपये आपको नहीं मिले हैं तो आपके श्रमिक कार्ड के अंदर एक मिस्टेक हुई हुई है जिसको आपको सही कराना होगा अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर के। आपको अपने आधार कार्ड से अपने श्रमिक कार्ड को सत्यापन कराना होगा। जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड से अपने श्रमिक कार्ड को सत्यापन नहीं कराया है उनके अकाउंट में 1,000 की राशि नहीं आई है। अगर आपने अभी तक अपने श्रमिक कार्ड को आधार कार्ड से सत्यापन नहीं कराया है तो आप नज़दीकी अपने जनसेवा केंद्र पर जाकर के अपने आधार कार्ड को अपने श्रमिक कार्ड से सत्यापन करा लें और उसके बाद में 1 से 2 दिन के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। उन्हीं लोगों के पैसे नहीं आए हैं जिनका आधार श्रमिक कार्ड से सत्यापन नहीं है। तो जाइए अपने आधार को अपने श्रमिक कार्ड से सत्यापन करा लें और उसके 1 से 2 दिन के बाद में आपके भी पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, जो कि एक आपदा राशि दी जा रही है उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तरफ से।